हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वंस अगेन नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे। दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपका वाईफाई स्टडी लाइव चैनल पे और मैं आपका जेएस एजुकेटर रोहित कुमार। दोस्तों आज फिर से आप लोग जुड़े हैं जो रोज 20 का डोज यानी 20 सवाल आप देख रहे हो। तो आज है दोस्तों लेक्चर नंबर दस। याद रखिएगा ये 20 सवाल 20 20 20 20 करके आप देखते जाना, आपके आने वाले समय में जब आपका पेपर आएगा ना, तब आपके पास इतने जबरदस्त क्वेश्चंस कलेक्शन होगा जो लगेगा सर कि अब तो हमारे पास ऐसे ब्रह्मास्त्र आ गया है, ऐसे ब्रह्मास्त्र है जो हम आराम से आसानी से क्रैक कर सकते हैं एग्जाम को, है ना। ठीक है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो चलते हैं दोस्तों, शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि आज का सेशन क्या रहना है आज, है ना। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, सत श्री अकाल। मेरी आवाज आ रही है दोस्तों? यस अब जरा बताना, आई एम ऑडिबल? आ रही है ना, सब कुछ सही है ना। चलिए तो चलते हैं दोस्तों, देखते हैं, शुरुआत करते हैं आज की क्लास के खास। लेकिन याद रखिएगा कि दोस्तों आपके आने वाले समय में अंतिम 7 दिन है आपका एमटीएस का पेपर और मेरी क्लास दोस्तों 2:30 बजे होंगी और ये शुरुआत हो जाएंगी 11 बजे से। 11 बजे संजीव सर की इंग्लिश दोस्तों, इसके बाद हितेश सर की क्लास है, फिर आकाश सर की है और दोस्तों है ना, नहीं और हितेश सर की और फिर दोस्तों मेरी क्लास है 2:30 बजे, इसके बाद आकाश सर की और फिर लास्ट में संदीप सर की। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। मेरी आवाज आ रही है? लग रहा है कुछ गड़बड़ है क्या? कुछ गड़बड़ तो नहीं है ऐसा? सब कुछ सही है? आवाज कट रही है क्या बच्चों? सही है सब कुछ? मुझे लग रहा है आवाज थोड़ी कट रही है ना। चलो आओ देखते हैं, शुरुआत करते हैं ना। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ये रहा कि सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग सौर ऊर्जा के दौरान रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है, वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण, प्रसार, ऑस्मोसिस। क्वेश्चन नंबर 1, चलिए बताइए क्या होगा दोस्तों। बताओ भाई क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण, सीधा आपको हिंट दिया, सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा मतलब प्रकाश संश्लेषण। सौर ऊर्जा के दौरान रासायनिक ऊर्जा में क्या परिवर्तित होगा दोस्तों? तो प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। क्या है दोस्तों? फोटोसिंथेसिस, है ना। ठीक है सर, गंगा नदी को नॉर्थ से साउथ ले जाने वाला कौन था? राजेंद्र चोल, जिसने गंगई कोंड चोलापुरम की उपाधि ली थी। अरे कई बार तो बताया, कई बार बताया, इसीलिए कहते हैं आपको कि मेरी क्लास मिस मत करिए। 2:30 PM पे जब भी मेरी क्लास होती है मैं वही सारे क्वेश्चंस कराता हूं जो कई बार पेपर में SSC पूछ चुका है, रेलवे पूछ चुका है, स्टेट लेवल एग्जाम में आ चुका है। आज 4:30 बजे जो बिहार वाले चैनल है दोस्तों, स्टेट चैनल है, उस पर कंप्यूटर साइंस पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, कुछ बेसिक होंगे और करीब करीब 35 सवाल होगा, क्योंकि आपके जो सिविल कोर्ट है वैकेंसी उसमें भी कंप्यूटर आएंगे आने वाले समय में। एमटीएस में तो आता ही है, रेलवे में भी आता ही है ना। ठीक है, याद रखिएगा। आ जाओ देखे नेक्स्ट, खाद्य पदार्थों में ऊर्जा किस इकाइयों में मापी जा सकती है दोस्तों? खाद्य पदार्थों में ऊर्जा किस इकाई में मापी जा सकती है, जरा बताइए।
बताओ। तो खाद्य पदार्थ में दोस्तों ऊर्जा को हम मापते हैं कैलोरी में। अरे मैं कई बार बता चुका हूं, चाहे वो 2400 कैलोरी की बात करें ग्रामीण क्षेत्रों में, 2100 कैलोरी की बात करें शहरी क्षेत्रों में, है ना। चलिए दोस्तों आगे देखिए, थायरोक्सिन को स्रावित करने के लिए, थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करने के लिए कौन सा प्रतिच्छेदन हार्मोन है दोस्तों? टीएसएच, एफएसएच, एलटीएच, एसटीएच, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए डू इट फास्ट। चलो बता बच्चों क्या होगा दोस्तों। थायरोक्सिन को आप देखोगे तो थायरोक्सिन को स्रावित करने के लिए जो थायराइड ग्रंथि है उत्तेजित करने हेतु कौन सा प्रतिच्छेदन हार्मोन है दोस्तों? टीएसएच होगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। टीएसएच, एफएसएच, एलटीएच, एसटीएच क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, यह जवाब निकल कर आएगा टीएसएच, यानी जो थायरोक्सिन को स्रावित करने के लिए, थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करने के लिए कौन सा प्रतिच्छेदन हार्मोन है? टीएसएच है, याद रखिएगा। क्या होगा? टीएसएच है ना। आ जाओ नेक्स्ट। थायराइड उत्तेजक हार्मोन का एक पिट्यूटरी हार्मोन है जो थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन का उत्पादन करने के लिए क्या करता है? उत्तेजित करता है दोस्तों। क्या करता है? उत्तेजित करता है, याद रखिएगा। ओके आ जाओ नेक्स्ट की बात करें। विमान में ऊंचाई को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? अब जैसे हम, आप कभी सफर करोगे फ्लाइट पे, तो आपका जो पायलट है वो अनाउंस करेगा कि हम इतने फीट ऊंचाई पर हैं, इतने फीट ऊंचाई पर हैं, इतना नीचे हैं। वो कैसे पता लगाता है? कुछ ना कुछ तो इक्विपमेंट होगा, कुछ ना कुछ तो इक्विपमेंट होगा उसके पास। तो ऑडियोमीटर है, एमीटर है, अल्टीमीटर है, एनीमोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या निकल कर आएगा? क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, विमान में ऊंचाई को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है दोस्तों? 4 ऑप्शन आपके सामने। ऑडियोमीटर क्या निकल कर आएगा जरा बताओ मुझे। अल्टीमीटर, अल्टीमीटर, अल्टीमीटर दोस्तों क्या निकल कर आएगा? अल्टीमीटर। क्या बच्चों? अल्टीमीटर है, याद रखिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अल्टीमीटर। अब देखो ये ऑडियोमीटर, एमीटर, एनीमोमीटर का काम क्या है? तो दोस्तों आपको याद होगा सर, अल्टीमीटर उपकरण जो भूमि की सतह की ऊंचाई या किसी वस्तु जैसे हवाई जहाज को मापता है कि कितने ऊंचाई पर वो उड़ान भर रहा है। और ऑडियोमीटर क्या है दोस्तों? एक ऐसा उपकरण जो किसी व्यक्ति की सुनने की क्षमता को मापने में मदद करता है। ये ऑडियोमीटर है। ये क्या है? ऑडियोमीटर है। अब नेक्स्ट की बात करें, एमीटर आपको याद होगा दोस्तों, जो हम सर्किट में यूज करते हैं किसे? धारा को मापने में, इलेक्ट्रिक करंट को मापने में, इलेक्ट्रिक करंट को मापने में, धारा को मापने में। और एनीमोमीटर आपको याद होगा, हवा की गति और डायरेक्शन, यानी जो विंड का, जो विंड स्पीड, विंड स्पीड और डायरेक्शन को एनीमोमीटर दोस्तों। क्या है? एनीमोमीटर। कोई समस्या, कोई दिक्कत? है ना। चलो आ जाओ नेक्स्ट की बात करें। इनमें से कौन सा ग्रंथि पाचन एंजाइम का स्राव नहीं करती है? लीवर, सलिवरी ग्लैंड, इंटेस्टिनल ग्लैंड, पैनक्रियाज। क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड नोट रिलीज डाइजेस्टिव एंजाइम? क्या होगा दोस्तों? लीवर होगा। अच्छा लीवर क्या करता है फिर? ठीक है, तो लीवर से जो निकलता है बाइल जूस वो पाचन में मदद नहीं करता है। ये बाइल जूस निकलता है तो क्या ये पाचन में मदद करता है या नहीं? अरे ये तो आंतरिक ग्रंथि है, ये तो निकलता ही है। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन, वो क्या है? तो बाइल जूस मदद नहीं करता है दोस्तों, याद रखिएगा। बाइल जूस मदद नहीं करता है पाचन में, है ना।
आ जाओ नेक्स्ट की बात करें। कार्बन के दो ऐसे आइसोटॉप के अनुपात का निर्धारण करके जीवाश्म की आयु का पता लगाया जा सकता है, वो दोनों आइसोटॉप कौन कौन से हैं? C12 एंड कार्बन ब्लैक, C13 एंड C14, C12 एंड C14, ओनली C14, क्वेश्चन नंबर 6। तो आपको पता होगा दोस्तों कि कार्बन के दो ऐसे आइसोटॉप जिसके जीवाश्म का हम आयु का पता लगाते हैं वो C12 और C14 है, लेकिन जो सिंधु घाटी सभ्यता है दोस्तों, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसकी हम एज निकाले, उसके हम पीरियड को निकाले जो कार्बन C14 से, कार्बन 14 से। कैसे निकाले? कार्बन 14 से, ठीक है। चलो कोई ना, गलती से लिखा गया ना, ओके आ जाओ नेक्स्ट। तो C12 और C14 कार्बन के दो ऐसे समस्थानिक हैं जिनका उपयोग जीवाश्म की आयु को निर्धारित करने के लिए करते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, पीने के पानी में निम्न में से किसकी अत्यधिक उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी नामक प्रदूषण की बीमारी होती है? फ्लोराइड, क्लोराइड, नाइट्रेट, आर्सेनिक, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए बताओ क्या होगा। तो दोस्तों, पीने के पानी में किसकी अत्यधिक उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी नामक सिंड्रोम देखने को मिलता है? तो नाइट्रेट की मौजूदगी के कारण। किसकी? नाइट्रेट, है ना, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट, बिच्छू के जहर में कौन सा एसिड पाया जाता है? विच एसिड इज फाउंड इन स्कॉर्पियन वेनम? मेथनोइक एसिड, पिक्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड या नन ऑफ दीज? क्वेश्चन नंबर 8। चलो बताओ, बताओ दोस्तों क्या निकल कर आएगा। तो आप देखोगे कि बिच्छू के जहर में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए कि विच एसिड इज फाउंड इन स्कॉर्पियन वेनम। तो बिच्छू के जहर में मिथुनोइक एसिड। इसे हम कुछ और नाम से जानते हैं क्या, बताओगे? इसका अदर नेम क्या होगा? फॉर्मिक एसिड, है ना, फॉर्मिक एसिड। चाहे बिच्छू की बात करें, चाहे आप रेड एंट की बात कर लो, लाल चींटी की बात कर लो, है ना, तो ये क्या पाया जाता है? मेथनोइक एसिड, यानी फॉर्मिक एसिड। अब ये देखो कि फॉर्मिक एसिड जिसे मेथनोइक एसिड कहते हैं, केमिकल फॉर्मूला आपका निकल कर आया CH2O2CHCOH। मधुमक्खी हो, चाहे चींटी हो या बिच्छू हो, सब में आपको फॉर्मिक एसिड देखने को मिलेंगे, है ना। क्या देखने को मिलेंगे? फॉर्मिक एसिड देखने को मिलेंगे, दिमाग में सेट रखिएगा। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, वोकल कोर्स इन वीमेन आर देन वोकल कोर्स इन मेन, महिलाओं में जो स्वर रज्जु है पुरुषों में स्वर रज्जु की तुलना में कम है, ज्यादा है? आप देखेंगे कि फीमेल की जो आवाज है, बच्चों की आवाज है, बिल्कुल श्रिल, यानी थोड़ी सी पतली होती है, कभी कभी चुभता है। तो कारण क्या है? 5 mm शॉर्टर, 15 mm शॉर्टर, 5 mm लॉन्गर, 15 mm लॉन्गर, क्वेश्चन नंबर 9 निकल करके आएगा। तो महिलाओं में वोकल कोड की बात करें दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, है ना। आ जाइए नेक्स्ट, तो मुखर जीवा बोलते हैं इसे, कि लंबाई पुरुषों और महिलाओं में अलग अलग होता है दोस्तों, इसी कारण आवाज की जो क्वालिटी है उसमें अंतर होता है। तो जो मेल है उसमें 20 mm है, फीमेल में 15 mm है, तो दोनों का जो डिफरेंसेस है ये क्या निकल कर आया? 5 mm। तो वही आपका क्वेश्चन पूछा कि सर फीमेल में जो स्वर रज्जु है पुरुषों में कम है या ज्यादा है? तो जहां आप मेल में देखा 20, फीमेल में 15, यानी कमी है। क्या ये कमी है? अब हो सकता है क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करे, तब पहले पुरुष करे फिर फीमेल करे, तब क्या होगा? तो मेल में ये क्या होगा? ये लॉन्गर हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट की बात करें, मानव शरीर के किस भाग की बात करें? भाग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है दोस्तों। लंग्स, स्टमक, लीवर, नन, कोई नहीं। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी कैन बी कॉल्ड केमिकल फैक्ट्री ऑफ द बॉडी? मानव शरीर के किस भाग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है दोस्तों? क्या निकल कर आएगा जरा बताइए।
जल्दी डू इट फास्ट। तो दोस्तों अभी मैंने बताया लीवर और यकृत से कोई भी एंजाइम, पाचन जो एंजाइम है वो स्रावित नहीं होता है, लेकिन शरीर का रासायनिक कारखाना कहेंगे इसे, शरीर का रासायनिक कारखाना कहेंगे, याद रखिएगा। तो यकृत को हमारे शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है, क्यों? क्योंकि यह पदार्थ प्राप्त करता है और उन्हें शरीर के लिए आवश्यक तत्वों में परिवर्तित करता है। दिमाग में सेट रखना, दिमाग में याद रखना, बिल्कुल ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट दोस्तों, रेड रॉट। रेड रॉट निम्नलिखित में से किस पौधे को होती है? पैडी, सुगर कैन, मस्टर्ड, वीट। क्वेश्चन नंबर 11, चलिए। हाँ जी, चाहे हेपरिन की बात करें, फाइब्रिनोजन की बात करें, सब आपके लीवर में बनता है, सब आपके लीवर में बनता है दोस्तों। तो रेड रॉट जो बीमारी है किस पौधे में? तो गन्ना में देखने को मिलता है, और गन्ना का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन आपको उत्तर प्रदेश में दिखेगा। वर्ल्ड में कहां? तो दोस्तों आपको याद होगा, गन्ना की बात करें, गन्ना से शुगर चीनी बनता है, तो दोस्तों चीनी का सबसे ज्यादा उत्पादन आपको विश्व में ब्राजील है, इंडिया में इंडिया नंबर 2 पे है। लेकिन यही अगर सवाल आ जाए कि सर शुगर मिल, चीनी की जो मिल है भारत में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, पहले महाराष्ट्र हुआ करता था लेकिन अब उत्तर प्रदेश हो गया चीनी का मिल, दिमाग में सेट रखना, भूलना मत बिल्कुल ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट, द रेड रॉट एक ऐसी बीमारी है जो गन्ने को प्रभावित करती है। सर किससे होता है ये? तो याद रखिए, फंगस से, कवक से। उस कवक का नाम क्या है? तो ग्लोमेरुला टुकुमिनेंसिस। दोस्तों ये फंगस के कारण होता है, उस फंगस का नाम है ग्लोमेरुला टुकुमिनेंसिस, ग्लोमेरुला टुकुमिनेंसिस, याद रहेगा ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट, निर्वात पंप का आविष्कार किसने किया? हु इन्वेंटेड द वैक्यूम पंप? ओटोवान ग्यूरिके, सर जे एस फ्लेमिंग, रिचर्ड गैटलिंग, एडवर्ड बटलर। क्वेश्चन नंबर 12, चलो। निर्वात पंप का आविष्कार किसने किया दोस्तों? तो दोस्तों निर्वात पंप का आविष्कार ओटोवान ग्यूरिके ने किया, ऑप्शन नंबर ए। कौन क्या? ओटोवान ग्यूरिके ने किया दोस्तों। आगे देखिए, सर डायोड बल्ब कौन है? तो सर जे एस फ्लेमिंग, ये डायोड बल्ब है। मशीन गन रिचर्ड गैटलिंग मशीन गन है, और मोटरसाइकिल एडवर्ड बटलर है। तो इन्वेंशन से आपको याद होगा, एनटीपीसी वाले समय में इन्वेंशन से कितने क्वेश्चन पूछा है रेलवे, याद आ रहा है? एनटीपीसी के समय आपको याद होगा, इन्वेंशन से लगभग लगभग शिफ्ट में क्वेश्चन था इन्वेंशन आविष्कार से, कभी कुछ का आविष्कार, कभी कुछ का आविष्कार, कभी कुछ का आविष्कार। तो ऐसे ही इन्वेंशन वाले क्लास, चाहे वो बॉटनिकल हो, चाहे वो मैकेनिकल हो, चाहे वो फिजिकल हो, जो भी क्वेश्चन बनेंगे बिल्कुल, है ना ठीक है। निशांत पढ़ा देंगे, टेंशन ना लो, अभी तो सभी पेपर तो थोड़ा सा आने दो, धीरे धीरे करते चले जाएंगे। और जो टॉपिक वाले है ना साइंस का, वो 12 बजे होगा आज, तो आप जो स्टेट वाला चैनल है ना उसमें ज्वाइन कर लेना ठीक है। 1:30 बजे वाले क्लास तो खत्म हो गया, क्योंकि 1:30 बजे के बदले अब सीधा एक लंबा क्लास रखा गया 2:30 बजे, जो मैराथन चलेगा रोज, जब तक आपका पेपर एमटीएस का ना हो। और ये 2:30 बजे से कब तक है? तो 4 बजे तक है। तो लगभग 50-60 सवाल जो इंपॉर्टेंट है वो देख लेंगे, मिस मत करना बिल्कुल ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स टूगेदर विथ द इम्यून सिस्टम टू प्रोटेक्ट द बॉडी? कौन शरीर की रक्षा के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली के साथ मिलकर कार्य करता है? क्वेश्चन नंबर 13। हाँ जी, दोपहर में बच्चे, क्योंकि देखो टॉपिक वाइज कवर करने हैं, तो 12 बजे जो स्टेट चैनल है वहां पे आ जाना ठीक है, स्टेट चैनल पे, और 2:30 बजे क्लास लगेगी लगातार, बाकी बस 4:30 बजे बिहार वालों के लिए। कल हमने, अब सोचो ये 3-4 दिन से चल रहा है, जो WBC का 5 भाग, WBC में 5 पार्ट, हम 3-4 दिन से पढ़ा रहे हैं इसे, फिर भी आज गलती कर दिए, कर बैठे गलती, देख लो क्या होगा, बैसोफिल देख लो। अरे प्रतिरक्षा प्रणाली के साथ मिलकर काम करता है, स्टेट चैनल कौन सा है? कुटकुट वाईफाई स्टडी लाइव स्टेट चैनल,
आपको दिख जाएगा दोस्तों। बैसोफिल्स शरीर की रक्षा के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली के साथ मिलकर काम करता है, ठीक है। जबकि लिम्फोसाइट की बात करें ना, तो बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडी का निर्माण करता है। बताओ, ये कल भी पढ़ाया था। है ना, आ जाओ नेक्स्ट। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। एक तरफ ऑर्गेनिज्म में जीव है और दूसरी तरफ क्रोमोजोम की संख्या है। मेढक 26, घोड़ा 64, मानव 46 या ओपी ओग्लोसम 85। क्वेश्चन नंबर 14। चलो बताओ। और जिस किसी को भी कंप्यूटर पढ़ना हो तो आज मैंने प्लान करा है 4:30 बजे, क्योंकि बिहार सिविल कोर्ट में कंप्यूटर आएगा, ठीक है, वो भी स्टेट चैनल में, टेलीग्राम में शेयर कर देंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी, कैसे, ये सबसे ज्यादा गुणसूत्र होता है इसमें, ये देख लो दोस्तों, ये फर्न है, प्लांट है, और सबसे ज्यादा गुणसूत्र होता है 1260। सोचो 1260, जबकि आलू में 48, चिंपांजी में 48, घोड़ा में 64, कुत्ता में 78, पिजन में 80, कबूतर में, और सबसे ज्यादा अगर आप गुणसूत्र की संख्या की बात करें तो ओफी ओग्लोसम जो फर्न है 1260 है। कितने, 1260 है। सब प्रीवियस ईयर पेपर है मेरे लाल, सब पूछा गया रेलवे अलग अलग पेपर में, सही है। चलो आ जाओ नेक्स्ट। जमे हुए होने पर पानी की बोतल क्यों टूटती है। कांच ऊष्मा का एक खराब सुचालक है, जमने पर बोतल सिकुड़ता है, जमने पर पानी की आयतन घट जाती है, जमने पर पानी की आयतन बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 15। चलिए सवाल नंबर 15 दोस्तों, अब थोड़ा शेयर वेयर किया करो यार, है ना। तो व्हाई डज अ वाटर बोतल ब्रेक व्हेन, जमने पर पानी की आयतन क्या होगी, बढ़ेंगी दोस्तों। जमने पर पानी की आयतन बढ़ती है, आप देखिए ना, कभी आप पानी को जमाओ ना फ्रीजर में, देखना, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, फोटोन का अर्थ क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोटोन। फॉर्मूला ट्रेन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, फॉर्मूला ट्रेन नेटवर्क, फॉर्मूला ट्रांसलेशन नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 16। एक काम कर लो ऋषभ, तुम मेरे से छोड़ दो पढ़ने, यही ध्यान नहीं लगता, भटकते हो ना। तो कहते हो सर पढ़ने में मन नहीं लगता है, हमारा कंसंट्रेशन नहीं होता। आप तो आपका कंसंट्रेशन भी नहीं होता पहले की तरह, ये बिल्कुल देखते हैं कि हर किसी क्लास में आपका क्वेश्चन आ जाता है, बल उलझुल क्वेश्चन, है ना। तो एक काम करते फिर मैं छोड़ दो पढ़ाने। बताओ बेटा, जब मैंने कहा पेपर है उनका टीचर का, बिहार में भी टीचर की वैकेंसी आने वाली है 1.5 लाख, बीएड कर रखा है तो तैयारी करो। झारखंड में भी टीचर की वैकेंसी आई है ना। तो फोटोन का अर्थ क्या है दोस्तों, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ऑप्शन नंबर बी, है ना। चलो आ जाओ नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की गैसों का आयतन प्रतिशत के संदर्भ में सही है। Which of the following is the correct sequence of the gases of the atmosphere in terms of the volume percentage, दोस्तों। Argon, neon, carbon dioxide and helium, carbon dioxide, argon, neon, helium, argon, carbon dioxide, neon, helium या carbon dioxide, neon, argon and helium। क्वेश्चन नंबर 17। चलिए चलो बताओ। दोस्तों कौन वायुमंडल की गैसों का आयतन प्रतिशत के संदर्भ में सही है दोस्तों, तो ऑर्गन, CO2, नियॉन, एल हीलियम। क्योंकि आपको याद होगा सबसे ज्यादा ऑर्गन है, इसके बाद CO2 है, है ना। ये दो तो ऐसे ही निकल गया, ये दो तो ऐसे ही निकल गया, कैसे बी लगाओगे, कैसे बी होगा। कैसे भी होगा, कुछ भी। नाइट्रोजन,
ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, इसके बाद नियोन, हीलियम, मीथेन, क्रिप्टन, हाइड्रोजन और वाटर वेपर, कुछ भी लगा दो। है ना, आ जाओ नेक्स्ट। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में निम्नलिखित को अरेंज करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में निम्नलिखित को दिखाएं। हाइड्रोजन, एल्युमिनियम, गोल्ड, सोडियम, सोडियम हाइड्रोजन एल्युमिनियम गोल्ड, क्वेश्चन नंबर 18 क्या निकल कर आएगा बताओ। तो दोस्तों अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में सबसे पहले सोडियम, एल्युमिनियम, हाइड्रोजन और फिर गोल्ड। कहां सोना रिएक्ट करता है, सोना कहां रिएक्ट करता है ना, ठीक है देख लो। ये आपके सामने मोस्ट रिएक्टिव पोटेशियम, इसके बाद दोस्तों सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और लिस्ट रिएक्टिव गोल्ड आपके सामने, ठीक है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट। जब एक इलेक्ट्रॉन को एंटी पार्टिकल के साथ संयुक्त किया जाता है तब क्या होगा, एक भारी कण का निर्माण होगा, एक प्रकाश कण का निर्माण होगा, एक फोटोन का निर्माण होगा या नन ऑफ दीज, क्वेश्चन नंबर 19। चलो, वेन एन इलेक्ट्रॉन कंबाइंस विथ इट्स एंटी पार्टिकल क्या होगा, तब दोस्तों ये निकल कर आएगा एक फोटोन का निर्माण होगा, एक फोटोन का निर्माण होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। जब एक इलेक्ट्रॉन के साथ एक एंटी पार्टिकल संयुक्त होगा तब एक फोटोन बनेगा दोस्तों, क्या बनेगा, फोटोन का निर्माण होगा, याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, मरकरी HG, चांदी AG, सोडियम NA, पोटेशियम KA, क्वेश्चन नंबर 20। याद रखना टॉपिक वाइज पढ़ने के लिए जो वाईफाई स्टडी लाइव चैनल है 12 बजे आज लाइट के कुछ सवाल जवाब हैं, तो आप जरूर जुड़िएगा 12 बजे। फिर आपका 2:30 बजे होगा दोस्तों और 4:30 बजे आज कंप्यूटर है स्टेट चैनल पे, तो स्टेट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है दोस्तों। क्या है पोटेशियम, ये गलत है, बाकी बात सब सही है, पारा, चांदी, सोडियम, है ना, ठीक है। क्या होता है पोटेशियम का, चलिए आ जाइए नेक्स्ट। तो दोस्तों पोटेशियम के परमाणु संख्या 19, पारा HG परमाणु संख्या 80 याद रखना, और लिथियम के बाद पोटेशियम सबसे ज्यादा डेंस मेटल है याद रखिएगा, है ना, ठीक है दोस्तों। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। याद रखिएगा कि जिनका भी बिहार का पेपर है 4:30 बजे मेरी क्लास होगी, आज कंप्यूटर पढ़ेंगे। जिनका भी साइंस में टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं तो 12 बजे लगेगी, MP के लिए पढ़ा रहे हैं लेकिन वो फायदा ही होगा टॉपिक वाइज है, और 2:30 बजे जुड़ेंगे MTS में, ठीक है। किसके लिए, तो 7 डेज मैराथन क्लास दोस्तों, मेरी क्लास आपको मैं अपने दिमाग में लिख दे रहा हूं आपके लिए 2:30 बजे, कितने बजे, 2:30 बजे, 2:30 से 4, ठीक है। पहले संजीव सर की क्लास शुरू हो गई 11 AM पे, तो आप जुड़कर, क्योंकि साइंस, GK और इंग्लिश ही बेड़ा पार करेगा दोस्तों, याद रखना MTS में, क्योंकि रीजनिंग और मैथ्स क्वालिफाइंग है, ठीक है। भाई कंप्यूटर सिविल कोड करा दो, कितनी बार बोले हैं, बता तो रहे हैं 4:30 बजे पढ़ाएंगे आज, है ना। तो मिलते हैं दोस्तों फिर शाम को 4:30 बजे कंप्यूटर के लिए, 12 बजे साइंस टॉपिक के लिए और 2:30 बजे फिर आपका MTS में, ठीक है। थैंक यू, शुक्रिया।